कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लखनऊ में आयोजित 27 साल यूपी बिहार रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अनेक पार्टियां हैं जो यूपी को तोड़ने में लगी है, जबकि हम प्रदेश के पुराने दिन लौटाना चाहते हैं, उसे फिर से नंबर एक का प्रदेश बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम इसके लिए एक साथ लड़ाई लड़ेंगे और एक साथ ही इस प्रदेश को नंबर वन के पोजिशन तक लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि शीला जी ने दिल्ली को बदला और उसे विकास के रास्ते पर लेकर गए। आज दिल्ली के लोग कांग्रेस को याद करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो और अपने कार्यकर्ताओं की आवाज पर काम करे तो ऐसा कोई नहीं जो कांग्रेस को हरा सके। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद द्वारा बिहार के युवकों को राज्य की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला मामले में 80% आरक्षण दिए जाने की मांग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये मुद्दा संदर्भ से बाहर नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर गहन विचार विमर्श के बाद सभी पार्टियों के बीच आम सहमति बनती है तो इस दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। नीतीश ने संवाददाताओं से कहा कि मूल निवासी होने का मुद्दा संदर्भ से बाहर नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न भागों में स्थानीय आरक्षण का मुद्दा जोर पकड़ रहा है और इसलिए केंद्र को स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए कुछ ठोस व्यवस्था बनाने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। एम्स के मेडिकल बोर्ड ने 16 साल की नाबालिग रेप पीड़िता को एबॉर्शन करवाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक बोर्ड को जांच के बाद तय करना था कि पीड़िता के लिए गर्भपात जानलेवा तो नहीं। बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नाबालिग का गर्भ 7 महीने का है, ऐसे में अगर इस स्टेज पर एबॉर्शन होता है तो ये पीड़िता के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। बता दें कि 2 साल पहले नाबालिग लड़की का स्कूल के बाहर से अपहरण कर लिया गया था और रेप की घटना को अंजाम दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि नाबालिग ने एबॉर्शन की इजाजत के लिए कोर्ट में जब याचिका दायर की तब उसके मुताबिक गर्भ 24 हफ्ते का था, लेकिन एम्स के मेडिकल बोर्ड ने जांच की तो पता चला कि 30 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। गौरतलब है कि कानून देश में 20 हफ्ते से ऊपर के गर्भ को गिराने की इजाजत नहीं है। दिल्ली के निर्भया गैंग रेप में दोषियों की पैरवी कर रहे एक वकील ने अजीबोगरीब घोषणा की है। वकील ने कहा कि अगर कोई ये साबित कर दे कि पीड़ित पर लोहे की छड़ का इस्तेमाल किया गया था तो वह उसे 10 लाख रुपए का इनाम देंगे। साल 2012 में चलती बस में गैंग रेप की इस दर्दनाक घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया था। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दौर में है, लिहाजा दोषियों के वकील अपने पक्ष के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मामले में दोषी पाए गए मुकेश और पवन के वकील एमएल शर्मा ने पुलिस की उस थ्योरी पर सवाल उठाए हैं जिसमें कहा गया कि दोषियों ने वैश्विकन की हद को पार करते हुए पीड़ित के जननांग में लोहे की छड़ घुसाई और उसके शरीर के आंतरिक अंगों को बाहर निकाला। एनआईई की पूछताछ में पाकिस्तानी आतंकी बहादुर अली ने बड़ा खुलासा किया है। बहादुर अली ने कहा कि भारत में घुसपैठ से पहले हाफिज सईद लॉन्चिंग पैड पर आया था और उसने वहां से आतंकियों को भारत भेजा। बहादुर अली ने यह भी बताया कि सारे आतंकी हाफिज सईद को चाचा कहकर पुकारते हैं। आतंकी बहादुर अली से अब भी पूछताछ जारी है और उसने इस बात का भी खुलासा किया है कि हाफिज सईद ने ही उसे भारत भेजा था और उसमें दहशत के लिए बात यह है कि उसे भारत में बड़े हमले के लिए भेजा गया था। आपको बता दें कि लॉन्चिंग पैड वो जगह है जहां से भारत में घुसपैठ की जाती है। हाफिज सईद ने आतंकियों को भारत से पहले उकसाते हुए कहा कि उसे तुम्हारे भाई को मारा है, तुम भारत में जाकर बदला लो। दिल्ली और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अब तक 10 मिलीमीटर से लेकर 60 मिलीमीटर तक की बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि गाजियाबाद में 65 मिलीमीटर की झमाझम बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। नोएडा की बात करें तो आसमान में घने बादलों का झमावड़ा है और यहां पर अभी तक 55 मिलीमीटर की जोरदार बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। गुड़गांव में सुबह से लेकर अब तक 50 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि राजधानी और आसपास की जगहों पर झमाझम बारिश की वजह है मॉनसून के अक्ष का दिल्ली के पास पहुंचना। इस समय मॉनसून का अक्ष दक्षिण के उत्तर की तरफ खिसक रहा है। इसके अलावा हरियाणा के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जिससे बादलों में नम हवाओं का बहाव और तेज हो गया है। साल 2015 से 16 में महेंद्र सिंह धोनी की कमाई में गिरावट देखने को मिली है। धोनी की कमाई साल 2013 से 14 में 83 करोड़ रुपए थी। इसके बाद 2014 से 15 में उनकी कमाई में बढ़ोतरी हुई।
जिसमें उनकी सालाना कमाई 83 से बढ़कर 86 करोड़ हो गई। लेकिन साल 2015 से 16 में उनकी कमाई का ग्राफ 86 करोड़ से घटकर 78 करोड़ हो गया। आमदनी कम होने की वजह से धोनी ने आयकर का भुगतान भी कम किया है। साल 2013 से 14 में उन्होंने अपनी कमाई पर 22 करोड़ रुपए आयकर का भुगतान किया था। इसके अलावा साल 2014 से 15 में आमदनी में वृद्धि के बावजूद उन्होंने आयकर के रूप में 22 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया। महेंद्र सिंह धोनी की आमदनी बढ़ने के बावजूद टैक्स में वृद्धि नहीं होने का कारण सरकारी ब्रांड को खरीदना बताया गया है। विपक्षी दल के सदस्यों ने बेरोजगारी की समस्या को लेकर राज्यसभा में भारी शोरगुल और हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। जेडीयू के शरद यादव ने शून्यकाल के दौरान देश में बेरोजगारी की समस्या को उठाते हुए कहा कि अब ये विकट समस्या हो गई है। कांग्रेस के आनंद शर्मा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी ने भी बेरोजगारी को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की और कहा कि रोजगार पाने योग्य लोगों में से केवल 1% को ही ये अवसर मिल पाता है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मित्रों में हताशा और निराशा है तो उसका इलाज नहीं कर सकते। मायावती के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले दयाशंकर सिंह को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने शुक्रवार को बिहार के सीमावर्ती बक्सर जिले से गिरफ्तार किया। बीजेपी से निष्कासित दयाशंकर सिंह को गुरुवार को हाईकोर्ट ने भी राहत देने से इनकार कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ जारी अरेस्ट वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। दयाशंकर सिंह को बक्सर के शुगर मिल कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। वे अपने एक परिजन के यहाँ छुपे हुए थे। सोमवार को ही लखनऊ सीजेएम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। गुड़गांव में जाम के बीच सियासत का संग्राम शुरू हो गया है। संग्राम की शुरुआत तब हुई जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जाम की समस्या से अपना पल्ला ही झाड़ लिया। यही नहीं, उन्होंने यह तक कह दिया कि इस जाम के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है। अभी इसे लेकर खलबली मची ही थी कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा, गुड़गांव का नाम गुरुग्राम रखने से विकास नहीं होता। विकास के लिए योजनाएं बनाना और उन पर अमल करना जरूरी होता है। जुमलों से जाम नहीं खुलेगा। इसके बाद तो गुरुग्राम को लेकर घमासान ही मच गया। इस पर लोगों ने इतनी चर्चा की कि गुरुग्राम ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। किसी ने इसे गुरुजाम कह दिया तो कोई बीजेपी सरकार की खिंचाई करने लगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के दखल के बाद इंडोनेशिया में मादक पदार्थ मामले में भारतीय नागरिक गुरदीप सिंह को मौत की सजा को फिलहाल टाल दिया गया है। गुरदीप सिंह के परिवार वालों को शुक्रवार को इंडोनेशिया से फोन आया, जिसके बाद उसके घर के सदस्य खुश हैं। खबर मिलने के बाद परिवार के सभी सदस्यों ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई। सुषमा ने ट्वीट किया, इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत ने मुझे सूचना दी है कि गुरदीप सिंह को मौत की सजा नहीं दी गई है, जिसकी मौत की सजा बीती रात के लिए तय थी। 48 वर्षीय सिंह का नाम उन 10 दोषियों की सूची में था जिन्हें मौत की सजा दी जानी थी, लेकिन मौत की सजा नहीं दी गई। इंडोनेशिया की एक अदालत ने उसे 300 ग्राम हीरोइन तस्करी करने के प्रयास का दोषी पाया था और उसे 2005 में मौत की सजा सुनाई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फिर से समन जारी किया है। उन्हें 9 अगस्त को पेश होने के लिए कहा गया है। हालांकि ईडी ने ये भी स्पष्ट किया है कि वे 9 अगस्त को उनसे सिर्फ पूछताछ करेगी, गिरफ्तारी नहीं करेगी। निदेशालय ने बताया कि वे प्रतिभा सिंह के सवालों के जवाब पर तैयार स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को देगी। अगर वीरभद्र सिंह या उनकी पत्नी ने ईडी के सवालों के जवाब और जांच में सहयोग नहीं किया तो इसकी रिपोर्ट भी हाईकोर्ट में सौंपी जाएगी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान ईडी ने हाईकोर्ट को बताया है कि इस मामले में LIC एजेंट आनंद चौहान ने गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी की जुड़ी कई बातों का खुलासा किया है।